इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। रैन बसेरा की हालत को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई गई है। सरकार के रवैये पर भी हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है। साथ ही रैन बसेरा में मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कोर्ट ने मांगा है। तो आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। रैन बसेरा की हालत को लेकर दिल्ली सरकार को ये फटकार लगाई गई है। हमारे संवाददाता पूनम शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूनम, क्या जानकारी? देखिए, हाईकोर्ट ने खास तौर पर कहा है कि वो बहुत नाराज एटीट्यूड से, क्योंकि पिछली बार सरकार ने खुद को कहा था कि एनजीओ के साथ मीटिंग कर ये क्लियर कर लिया जाएगा कि सेंटर की प्रॉब्लम इस सेशन में ना हो, और सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि 45 कोटा केबिन्स बनाए जाएंगे और नाइट शेल्टर के तौर पर बसों का इस्तेमाल किया जाएगा, और तमाम जगहों पर जहां पर ज्यादातर लोग इकट्ठा होकर सो रहे होते हैं रात के वक्त, वहां पर नाइट शेल्टर टेम्प्रेरी बेसिस पे लगाए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके अलावा एनजीओ लगातार सरकार के संपर्क में कोशिश करते रहे कि इस पे मीटिंग हो, इस पे कुछ एक्शन हो, लेकिन एनजीओ को मीटिंग तक के लिए नहीं बुलाया गया। जब एनजीओ की तरफ से आज हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा गया तो हाईकोर्ट काफी नाराज हुआ और सरकार को उसने आदेश दिया है कि 4 हफ्ते का समय है सरकार के पास। इन 4 हफ्तों में न सिर्फ वो एनजीओ के साथ मीटिंग करे, बल्कि जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं पुलिस टॉर्चर की नाइट शेल्टर्स में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से ठंड की वजह से मौत हो गई है और पोस्टमार्टम नहीं उन बॉडीज का हो पाया, उसमें दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। तो दिल्ली पुलिस और सरकार दोनों के पास अब 4 हफ्ते का समय है। इसमें न सिर्फ एक्शन लेना होगा सरकार को, बल्कि उसकी रिपोर्ट भी हाईकोर्ट में सबमिट करनी होगी। बिल्कुल पूनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आपने जितने वादे किए थे उन वादों पर कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर रही है ये सरकार, और इसी को लेकर एक और मुसीबत आम आदमी पार्टी पर। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है रैन बसेरों को लेकर, ठंड में मरते लोगों को लेकर।